अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रहमत नगर अपोजिट रेलवे स्टेशन रहमत नगर से बात कर रही हूँ। ये जो ज़मीन आप जो देख रहे हैं, ये हम हजरत साहब फुला वाले की ज़मीन है। ये मेरे दादा की ज़मीन है। यहाँ पर लोगा है नहीं, बटले वाले मोमिनपुरे के जो भी, वो अजीम गोलकुंडी और अब्दुल खदीर और मोइनुद्दीन और खासिम, ये लोग यहाँ आ गए दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी करके तुम्हारे अब्बा ये ज़मीन पूरी बेच को गई मुल को बोल रहे हैं। और आज से 15 साल पहले से पूरी ज़मीन 10.5 एकड़ ज़मीन बेच कर खाई। और ऑलरेडी इसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग क्या बोलती मालूम है, ये ज़मीन तुम्हारे अब्बा पूरे बेच को गए बोलते हैं। कोर्ट में क्या बोलती, नहीं 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 हम लिए नहीं बोल को बोलते हैं। यहाँ आको इस, मगर यहाँ ज़मीन पर आको क्या करते मालूम है, हमारे से दादागिरी करते रहते हैं। और हम ये दादागिरी करते उस रिकॉर्डिंग करने गए तो मोबाइल फोड़ को देती हमारे, और गलीस गलीस गाला देते रहती। ये मोबाइल की हालत देखिए, रिकॉर्डिंग करते वाले मोबाइल की। और इस ज़मीन में है नहीं, 300 साल पहले एक पुरानी एक बौली भी है, और वो बौली को भी मूचो बोल को हमारे से हरासमेंट करते रहते आए दिन। लोकायुक्त यहाँ तक के ये लोग लोकायुक्त तक गए, उसके लोकायुक्त से हमारे को नोटिस ना भेजे। इसके बावजूद हम लोग क्या करें मालूम है, लोगों की सेफ्टी के वास्ते में ये बौली के अतराफ क्या करें, 4 दीवारी बंधे थे। खुद के पैसों से, मेहनत के पैसों से 3.5 लाख रुपए खर्च करके दीवार बने थे। वो क्या करें मालूम, हम लोग कोई भी नहीं रहने के से फायदा उठा को क्या करें, परसों बिल्डोजर लगा को पूरे बौली की चारों तरफ की दीवार गिरा कर गई हम लोग नहीं रहने का फायदा उठाकर। आप पूछे तो, और वो हम लोग अम्मी उन्होंने पूछे तो क्या बोल रहे मालूम है, ये कोर्ट से ऑर्डर होने की वजह से गिरा रहे हम लोग को बोले, 10-15 मिनट में अपना काम करके चले गई। और ये बौली के अतराफ की दीवार गिराने में यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिसों का भी हाथ है, 2-4 पुलिस भी उनके साथ थे, मेरे पास बिल्डोजर का भी नंबर है। और ये लोग क्या बोल रहे मालूम है, हम लोग केस जीते बोल रहे, जबकि हम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। कोर्ट में केस करने के बाद क्या बोलते मालूम है उन्होंने हमारे को, हम लिए नहीं हम बेचे नहीं बोल को बोलते रहते। अब यहाँ आकर बोले तो हमारी जमीन है बोल को बोल रही, ये बोली के अतराफ की जो 3.5 लाख रुपए की खर्च करके कंपाउंड वाल गिरा ही, अब उससे छोटे छोटे बच्चों को जान को खतरा होता है। इसकी कॉपी में SP DC और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी दे चुकी हूँ, वो लोग एक्शन लेते बोल रही हैं, पूरा मैं केस पढ़ता हूँ बोल को बोल रही हूँ। लेकिन अब फिलवक्त तो बोली पूरी खुली है, कौन ना जाने कौन बच्चा गिरता की, बड़ा गिरता की, क्या मोटरसाइकिल वाला आगे गिरता की, अब वो खुदाज बेहतर जाने। ऐसे कामों में लोकल पुलिस भी हाथ देती बोले तो कानून के ऊपर से हमारा तो भरोसा उठ गया। ये केस 2012 से चल रहा, इसके बावजूद भी, केस चलने के बावजूद भी उन लोग कभी भी आते आपको दीवार तोड़े, ये तोड़े, वो तोड़े करते, हालांकि उनको आने की परमिशन भी नहीं है। केस चल रहा ना ये ज़मीन पे, आने की तक परमिशन नहीं है उनको, फिर भी आते, फिर हम लोगों को देखते गालियां गलौज शुरू करते। जब हम रिकॉर्डिंग करने जाते हाथों में से मोबाइल लेते फोड़ते उन लोग, ऐसे ही हमारे पे जालसाजी चल रही। हम लोग अब दीवार, जब बोड़ी की जो दीवार बने थे चौफिर से, वो दीवार तोड़े नो JCP लाए, आदमियों को लाए, लेका को दीवार तोड़े, जबकि घर में कोई जेंट्स नहीं है, हमारे लेडीज ही है घर में। हम लोग जा रहे, रोक रहे, बोल रहे उनको मत तोड़ो ये दीवार, बोले तभी उन्होंने सुन रहे नहीं, तोड़ को गए वो दीवार उन लोग। कंप्लेंट करे थे, डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके? हमारे पास, हम लोग SP के पास गए, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, हम लोग SP के पास गए जाकर कंप्लेंट करें। फिर हम कमिश्नर मैडम के पास गए, कमिश्नर मैडम के पास भी गए हम लोग, कमिश्नर मैडम के पास भी जाकर कंप्लेंट करें, तो कमिश्नर मैडम बोले इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रेडी है, उन्होंने एक्शन लेंगे बोलकर बोले कमिश्नर मैडम। हम और हमारे पड़ोसी जो है आए दिन हमको गालियां देते रहते। हमारे घर के बाजू एक पड़ोसी है, दादा पीर है उनका नाम, दादा पीर है, उन घर में जब लेडीज रहते ना उनको फोन करके बोलते वो लोगों को, आए दिन हमको हरासमेंट कर रहे, तंग कर रहे हमारे को। हम लोग लेडीज घर में रहते हैं, जेंट्स बाहर रहते हैं, हमारे हमारे जान को खतरा है। ये सब कानून और कमिश्नर मैडम हमारे पे ध्यान देंगे तो हमारी सेफ्टी होती। इससे पहले भी इधर आकर एक बच्ची गाड़ी लेकर गिर गए थे, इसलिए ये बॉडी बनाए थे, बॉडी बनाए तो चारों तरफ दीवार बनाए, तो दीवार तोड़ को रोडी जम करके दीवार तोड़ को गए, इसलिए ये मीडिया से अपील करना, हम इधर पड़ोसी है इधर के, यहाँ इधर एरिया में रहते हैं, इसलिए मीडिया को अपील करना चाह रहे, बॉडी सेफ करो, ये रोडिनिज्म रुका दो बोल को। घर पे आके वो लोग गाली गलौज वगैरह, गाली वो देकर चले जाते, बॉडी पूरा खड्डा ये करके चले गए वो लोग। अस्सलाम वालेकुम, ये तारफेर अहमद नगर से बोल रहा हूँ मैं, हमारे शकील भाई की खानदानी जगह है ये, बोड़ी थी यहाँ पे एक,
इससे पहले एक दो तीन जने गिर गए उसमें, बाउंड्री उठाए थे इसलिए सेफ्टी के लिए दीवार उठाए थे। कुछ लोग आकर तोड़कर जबरदस्ती करके इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस को बोले तो पुलिस भी साथ में आके इनका सपोर्ट कर रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शकील अहमद हजरत साहब गुलफरश स्टेशन बाजार 5th क्रॉस गुलबरगा से बात कर रहा हूँ। 2/3 अब्दुल अजीम अब्दुल खदीर सन्नाफ अब्दुल मन्नान ये लोग आके बोड़ी की दीवार गिरा के चले गए बेवजह, हालांकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और कोर्ट में बोल चुके हैं कि हमें ये ज़मीन ख़रीदे नहीं और हाँ ना ही तुम्हारे अब्बा हमारे को बेचे। और यहाँ आके लोगों को बोलते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारे अब्बा हमारे को बेचे, तुम्हारे अब्बा हमारे को ये ज़मीन बेचे बोल के इन्होंने बोल रहे हैं। ऐसा बोल के क्या करते हैं मालूम है, बाजू वाला जो दादा पीर है उसके हाथ से कंप्लेंट देने लगाते हैं। दादा पीर के हाथ से कंप्लेंट देने लगाते हैं, कहाँ पे कॉरपोरेशन को लोकायुक्त को कंप्लेंट देने लगाते हैं। क्या बोल के कि बोड़ी मूछो बोल के, क्यों मूछ ना बोले तो मूछ के उसको क्या है मालूम है, प्लाट डाल के बेच के चले जाना। जब उन्होंने जाने के बाद हम उनसे लड़ते बैठना क्योंकि हम ओनर है, हम क्या है लड़ते बैठना, इन्होंने करोगे जाना लड़ते हम बैठना, ये उनकी हरकत है पहली बात। दूसरी बात क्या है मालूम है क्या, वे जो बॉडी जो है बॉडी की तो अतराफ से क्या है लोकायुक्त से नोटिस आई थी मेरे को, मेरे नाम से शकील अहमद के नाम से नोटिस आई थी। वो नोटिस के ऊपर मैं काम क्या करा कि फेंसिंग कर जाती। क्या बोल के नोटिस है कि ये दीवार को क्या है मालूम है चौ तरफ से ये बॉडी की चौ तरफ से दीवार बंद हो सेफ्टी करो। कहाँ से आई थी, लोकायुक्त से आई थी। तो आने के बाद क्या है हम सेफ करें उसको, सेफ करने के बाद जो है इन्होंने आगे क्या है उसको गिरा दिया और बिना वजह पुलिसों को लाके गिरा दिया। नाम बोलो। और पुलिस परमिशन कुछ भी नहीं है उनके पास। पूछा आपने? हाँ पूछा, तो उन्होंने बोलते कि मेरे पास पेपर्स है खाली पेपर्स, एक दो पेपर थे उनके पास और खाली ला गया सब पूछ के पास खाली। उनका नाम नजमुद्दीन और मल्लाना घोड़ा, उन्होंने दो जने थे और दो। क्या नजमुद्दीन मल्लाना घोड़ा और एक जने थे, उनका नाम मालूम नहीं मेरे को, लेकिन उन्होंने क्या है मालूम है आगे क्या है ठहर के क्या उन्होंने गिरा। मैं बोलूँ उनको रिक्वेस्ट करा ऐसा ऐसी की बात ऐसी है ये मत गिरो ये गलत है। कोर्ट में 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील को गए आ रहे, तो उन्होंने क्या बोलते मालूम है कि ये नहीं ये हमारी ज़मीन है इसको खरीदे हमें, तुम्हारे अब्बा बेचे। हालांकि बॉडी के पेपर्स हैं हमारे पास, पानी में हमारा नाम, पूरे यहाँ से लेके ज़मीन वहाँ तक हमारी, थोड़ी नहीं भी उसके अंदर हिस्सा बांटा नहीं हुआ तो बेचेंगे कहाँ से, ये भी तो होना ना। अभी आप दीवार तोड़ने के बाद जब आप गए एसपी के पास डीसी के पास, हाँ, क्या आपको जवाब मिला? एसपी साहब के पास मैं गया था तो उन्होंने एक्शन लेने के बारे में बात करे उन्होंने, और हमारे जोनल कमिश्नर साहब के पास भी गया था और हमारे कमिश्नर मैडम के पास भी गया था और डीसी साहब के पास भी जा चुका हूँ, तो उन्होंने क्या सभी ने भरोसा दिया है कि तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे हम। तो आपकी क्या डिमांड है मीडिया के सामने? मीडिया के सामने हमारी डिमांड सिर्फ ये एक ही बात है कि जो दीवार तोड़े उन्होंने दीवार बन के देना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। और दूसरी बात, जो जब भी उन्होंने आके ऐसा धांधली मचाते, लेडीज रहते घर में, जेंट्स नहीं रहते, जब ये काम उन्होंने करके जाते हैं, अब करके जाने के बाद क्या होता मालूम है क्या, जो वीडियो उन्होंने करते हैं मोबाइल फोड़े से है, आपको दिखाता हूँ मैं झूठ ने, हाँ मोबाइल फोड़े से है उन्होंने, और मोबाइल फोड़ने के बाद ये मोबाइल अगर फोड़ने के बाद ये जो ले जाके अगर वहाँ बताए ना, मोबाइल ये सब फोड़ने के बाद ले जाके अगर पुलिसों को बताए तो पुलिस ना एक्शन नहीं लेते। ऑलरेडी क्या हुआ मालूम है, जब ये दीवार गिरा गए गिराया ना उन्होंने, तो गिराने के बाद जब उन्होंने जा रहे थे, जाते जाते क्या बोल के जाते मालूम है क्या, तू कुछ नहीं कर सकता मेरे साथ, हमारे साथ क्यों नहीं कर सकता कि हम ऑलरेडी पैसे खिला चुके हैं, देख तेरी जगह होते हुए भी हम तेरे सामने तेरी दीवार गिरा के चले गए, चैलेंज करते उन्होंने क्यों, कानून की वजह से, ये लोग बिकने की वजह से तो कैसा करना, इंसाफ की बात हुई। हालांकि निगरान पुलिस हैं, सामने पुलिस हैं नहीं है बोल के नहीं, सामने पुलिस ठहरे से है, उन्होंने खुद मैं बोलूं उनको रिक्वेस्ट करूं सर नहीं है ऐसा मत गिराओ तुम, फिर भी उन्होंने गिरा दी जा रही, मेरे सामने गिरे।